अब हम एक नया टर्म समझते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो ऑपोजिशन है, अपोजिशन कह के भी याद रख सकते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, बराबर। मेडिकल टर्म में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा होता है वो कम बीमार पड़ता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो हमने अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करते हैं। तो हमने देखा कि अगर मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर अगर किसी भी सोर्स ऑफ पीटी को कनेक्टेड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स को कनेक्टेड नहीं है, तो उसके अंदर जो फ्लो मोशन का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो रैंडम होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे अपने एटम्स के अंदर, बराबर। ये चीज़ हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि अगर उसी मेटालिक वायर के एंड को हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है मोशन का वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाता है। तो पहला पॉइंट वही है कि मेटालिक वायर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव्स इन रैंडम मैनर इन एब्सेंस ऑफ एनी सेल कनेक्टेड अक्रॉस इट। अगर सेल कनेक्टेड नहीं है तो उनका मोशन इन रैंडम मैनर होगा, कहीं पर भी होगा, पर जैसे ही उसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मेटल वायर, बराबर। अब ये जब मोशन होता है तो ये जो मेटल वायर है इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बराबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, साथ ही साथ इसका खुद का वॉल है, दीवार इसका, साथ ही साथ इसके अंदर आयंस हैं, इसके साथ इसके अंदर पॉजिटिव आयंस हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बराबर, जैसे ही इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है तो अचानक से सब लगते हैं, पहले कहीं भी घूम रहे थे अब लगते हैं एक ही डायरेक्शन में घूमने। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम फ्रीली मूव नहीं कर पाता, वो जो मेटल वायर के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं उनसे भी टकराता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, बराबर, वी हैव जस्ट सॉ दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट वन कूलम चार्ज वॉज 6 × 10⁻¹⁸। तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर है, बराबर। तो एक बार किसी ने आइंस्टीन से पूछा था कि हाउ डू यू सी व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक कंडक्टर, तो ही से इट्स लाइक ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो भाई जब ये फ्लो करना चालू करते हैं ना तो ये पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं, ये मेटल के वॉल से भी टकराते हैं और खुद से भी उनका टकराव होता है। तो अब वो लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव बह रहे हैं और साथ में वो कोलाइड भी कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयन विद ईच अदर विद द वॉल्स। तो जब ये कोलिजन होगा तो उनका जो स्पीड है फ्लो का स्पीड उसमें ब्रेक हो जाता है, साथ ही साथ वो कोलिजन की वजह से उनका मोशन ऑफ डायरेक्शन भी चेंज होता है, बराबर। ऑल दिस हैपेंस बट द फोर्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ हमेशा वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करते रहता है। तो टकराने के बाद भी ये वापस से उसी तरफ बहना चालू करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दे आर कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयन, दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द मेटल कंडक्टर। तो यहाँ पर ऑपोजिशन आ रहा है, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एक इंक्रीजिंग स्पीड के साथ इनका फ्लो नहीं हो पा रहा है, दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल विद इंक्रीजिंग स्पीड, बराबर है। इनफैक्ट दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड से नहीं बढ़ते, बराबर। और इसी की वजह से एक इनमें रुकावट आता है, यानी रेजिस्टेंस एक्ट करता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि वो चीज़ जो करंट को इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में अपोज करे उस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करे फ्लो करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स को कोई चीज़ अपोज करेगा फ्लो करने के लिए, यानी कि वो किसको फ्लो करने के लिए अपोज कर रहा है, करंट को फ्लो करने के लिए अपोज कर रहा है, बराबर। ओम्स ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, तो हम ओम्स लॉ में इसके बारे में इसका जो क्वांटिटेटिव
डेफिनेशन है, हम वहाँ पर समझेंगे, पर इसे हमने अभी यहीं पर कुछ थोड़ा पॉइंट जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में जानना था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने आपको ये सब बताया यहाँ पर बराबर। तो इसे आप बराबर देख लें।